नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 35वां भाग है और भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने भारत में प्राचीन भौगोलिक जो ज्ञान उपलब्ध था जो कि पुराणों में और अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें से प्राप्त होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम प्राचीन काल में जो यूनानी और रोमन जो भूगोलवेत्ता थे उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राचीन यूनानी एवं रोमन भूगोल। यूनानी एवं तो प्राचीन जो यूनानी यानी ग्रीक और जो रोमन ज्योग्राफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं जो प्राचीन काल में क्या है या पाश्चात्य जगत में जो यूनान और रोमन का जो विज्ञान के योगदान में या भूगोल के योगदान में जो योगदान है वो महत्वपूर्ण रहा है, यानी के विकास में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। अगर हम विज्ञान की बात करें या भूगोल की बात करें, खगोल की बात करें, तो उसमें पाश्चात्य जगत में जो यूनान और रोमन क्षेत्र था उसका विशेष योगदान रहा है, यानी यूनानी लोगों का। और उसके बाद इसके पतन के पश्चात जो रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ तो उसका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। और इस क्षेत्र के इस काल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो यात्रा वृत्तांत मिलते हैं, यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से हमें विश्व के जो ज्ञात क्षेत्र थे उनकी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हैं वो मिलती है। यानी आज विश्व में जो हम भूगोल का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं वो मुख्य रूप से जो यूरोपियन चिंतन फलक था उसका ही एक प्रतिफल है, यानी वहीं से ये प्रारंभ होता है और उसका इसको हम प्रतिफल मान सकते हैं यूरोपीय चिंतन फलक का। इसके पश्चात जो वास्तव में आधुनिक चिंतन हम भौगोलिक इतिहास या भूगोल का जो भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में क्या यूरोपीय जो चिंतन है उसके प्रभाव की ही कहानी है, भी किस प्रकार विश्व में यूरोपीय जो क्षेत्र के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने किस प्रकार से यात्रा वृत्तांत और अपने अनुभवों के माध्यम से विभिन्न विषयों का वो विकास किया। इसके बाद शास्त्रीय जो स्तर पर क्रमबद्ध विषय के रूप में भूगोल का फिर अध्ययन प्रारंभ हुआ और इसको हम क्या है दो भागों में बांट सकते हैं, यानी प्राचीन जो काल है भूगोल का जो प्राचीन ज्ञान है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें एक तो चिरसम्मत प्राचीन काल कह सकते हैं, यानी यह प्राचीन शास्त्रीय काल भी इसको कहा जा सकता है। तो पहला है प्राचीन शास्त्रीय काल और दूसरा है आधुनिक शास्त्रीय काल। प्राचीन शास्त्रीय काल और दूसरा जो है वह है आधुनिक शास्त्रीय काल। तो ये हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं इसकी कालावधि के अनुसार। अब जो प्राचीन शास्त्रीय काल है वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर के 300 ईसा पूर्व यानी तीसरी शताब्दी तक हम 300 ईसा पूर्व तक हम इसको मान सकते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से तीन सौ वर्ष ईसा पूर्व, तो छठी शताब्दी से 300 वर्ष ईसा पूर्व का जो काल है उसको माना गया है चिरसम्मत काल। यानी चिंतन के फल इतिहास में अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर के 300 ईस्वी तक का की जो अवधि है उसको प्राचीन शास्त्रीय काल में माना जाता है। तो 300 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 300 वर्ष ईस्वी पूर्व जो है उसको क्या कहेंगे हम प्राचीन शास्त्रीय काल इसको कहा जाएगा। अब आधुनिक शास्त्रीय काल की बात करें तो जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध से लेकर के 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं आधुनिक शास्त्रीय काल कहते हैं। इसमें 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आ जाएगा और
19वीं का पूर्वार्ध जो है उसको आधुनिक शास्त्रीय काल में सम्मिलित किया जाता है। तो ये दो हमने जो अध्ययन की समय अवधि के आधार पर दो भागों में इसको बांट दिया है, यानी एक तो है प्राचीन शास्त्रीय काल और दूसरा है आधुनिक शास्त्रीय काल। प्राचीन शास्त्रीय काल है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के 300 ईस्वी तक, और इसके बाद में तीन सौ ईस्वी तक, और दूसरा आधुनिक शास्त्रीय काल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध का काल है उसको हम कह सकते हैं। यानी इस अगर समयावधि में देखें तो ये 1760 से लेकर के 1860 तक के काल को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। 1760 से 1860 ये है, इसको आधुनिक शास्त्रीय काल में सम्मिलित किया गया है। अब अगर हम प्राचीन काल की बात करें, यानी यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान की अगर हम बात करें, यानी प्राचीन भूगोलवेताओं के जैसे हमने प्राचीन यूनानी और रोमन जो भूगोल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यदि हमने दो वर्गीकरण किया, इसमें प्राचीन शास्त्रीय काल हम पहले पढ़ेंगे। प्राचीन शास्त्रीय काल में सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है या सबसे वर्णन आता है वो यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। तो पहले हम पढ़ेंगे यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। अब जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में यूनान जो है उसका ज्ञान विश्व में सर्वाधिक विकसित था एक प्रकार से, और यूनानी जो भूगोलवेता थे या जो यूनानी विद्वान थे उनका गणित में, ज्योतिष में, ज्यामिति में, भूगोल में, प्रशासनिक कार्यों में, इनमें सब ने उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, अपने ज्ञान का सदुपयोग किया, यानी प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया था। क्योंकि जो यूनानी है उनका जो मस्तिष्क एक प्रकार से वैज्ञानिक अभिरुचि रखने वाला था, कुशाग्र बुद्धि वो थे, यानी वैज्ञानिक कुशाग्र बुद्धि थे, ये वैज्ञानिक इनकी चिंतन था। इसके अलावा इनमें नई चीजों के बारे में जानने की, नए क्षेत्रों के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रवृत्ति थी। इसके अलावा काम करने की सूझबूझ, ये जो चीज़ें हैं ये यूनानी विद्वानों को सबसे अग्रणी बनाती थी। यानी वैज्ञानिक चिंतन था, कुशाग्र बुद्धि थी, जिज्ञासा, इसके अलावा काम करने की सूझबूझ, ये जो चीज़ें हैं इसके कारण ये क्या है अन्य जो क्षेत्रों के लोग थे उनकी तुलना में ये थोड़े अग्रणी थे। और इसी कारण क्या है इनको क्या है भूगोल में के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूनानियों ने क्या है अन्वेषण में, मानचित्रण में और परिकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने अन्वेषण परिकल्पना निर्माण इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। यानी सर्वप्रथम जो परिकल्पनाएं विकसित हुई उनमें सबसे ज़्यादा योगदान यूनानी विद्वानों का रहा। खोजों के काल में या इन्होंने नए क्षेत्रों की खोज, नए सिद्धांतों की खोज, नए नियमों की खोज में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अन्य जो विषयों के लोग थे या अन्य विषय क्षेत्रों के जो विद्वान थे उनकी तुलना में ये अग्रणी थे। तो यूनानी भूगोलवेताओं कि अगर हम बात करें चिर सम्मत काल में तो ये क्या है ईसा पूर्व 900 से पहली शताब्दी तक इनका काल माना जाता है। ईसा पूर्व 900 से पहली शताब्दी तक इस काल में यूनानी जो भूगोलवेता थे उनका योगदान महत्वपूर्ण था। ईसा पूर्व 900 से पहली शताब्दी तक ये थे, यानी 900 वर्ष पूर्व ईसा से लेकर के पहली शताब्दी तक ये जो प्राचीन शास्त्रीय काल के दौरान उन्होंने जो यूनानी धर्मशास्त्री है, इन्होंने प्रशासनिक कार्यों में गणित, ज्योतिष,
और जो अन्य खगोल के नियम हैं उनका प्रतिपादन किया। प्रशासनिक कार्यों में भी इनके द्वारा अनेक नियमों का प्रतिपादन किया गया था। तो यूनानी लोगों का इस काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब तो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के पहली शताब्दी ये तक इनका काल माना जाता है। अब भूगोलवेताओं के योगदान में हम देखते हैं कौन कौन से भूगोलवेता ऐसे हैं जिन्होंने यूनानी भूगोलवेता ऐसे हैं जिन्होंने भूगोल में अपना योगदान दिया, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। तो सबसे पहले नाम आता है नंबर एक होमर। होमर का नाम सबसे अग्रणी इनमें ज्यादा, क्योंकि सबसे पहले जो रचनाएं प्राप्त हुई या सबसे प्राचीन इनमें जिनकी रचनाएं प्राप्त हुई हैं उनका नाम है होमर। और 9वीं शताब्दी में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था एलियड और दूसरा था ओडिसी। 9वीं शताब्दी में एलियड और ओडिसी की रचना की। तो इन्होंने एलियड और ओडिसी ये जो दो ग्रंथों की रचना की। इनमें विशेषतः यात्रा वृतांतों का वर्णन मिलता है और इन ये जो महाकाव्य हैं इनमें भूगोल के क्षेत्रों की जनपदों जातियों और संसार की जो ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, यानी इनमें भौगोलिक क्षेत्र जनपद तथा जातियों की जानकारी मिलती है। तो भौगोलिक क्षेत्र जनपद और जातियों की जानकारी है वो हमें इन ग्रंथों से मिलती हैं, होमर के द्वारा जो लिखित ग्रंथ रहे हैं एलियड और ओडिसी। तो इन ये जो ग्रंथ थे ये कैसे थे, ये छंदबद्ध थे, ये छंदबद्ध ग्रंथ थे, यानी छंदों के माध्यम से, अलग अलग छंदों के माध्यम से हमें भौगोलिक क्षेत्रों की जनपदों की और जातियों की जो जानकारियां हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय दशाओं की जानकारी और मानव वर्ग जो यानी जातियां आ गई इसमें, इसके अलावा क्या है पर्यावरणीय जानकारी भी हमें मिलती है इन ग्रंथों में, पर्यावरणीय दशाओं की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होमर ने इलियड और ओडिसी जो ग्रंथ लिखे थे वहाँ से एक प्रकार से यूनानी का भूगोल वेताओं का प्रारंभ होता है और यहाँ पर यूनानी जो भौगोलिक ज्ञान है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने छंदबद्ध तरीके से भौगोलिक क्षेत्रों की जनपदों की जातीय या मानव के वर्गों की जानकारी हमें मिलती है, पर्यावरणीय दशाओं की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद ओमर ने जो ओडिसी नामक महाकाव्य में जो तत्कालीन यूनानी विद्वानों को ज्ञात विश्व की प्रीति तथा उसके जो विभिन्न स्थानों का सजीव चित्रण भी देखने को मिलता है ओडिसी में, इनके द्वारा ज्ञात विश्व की प्रीति और भौगोलिक वर्णन मिलता है, यानी जितने क्षेत्र उस समय ज्ञात थे विश्व के उनकी प्रीति के बारे में और इसके अलावा भौगोलिक वर्णन उन क्षेत्रों का देखने को मिलता है ओडिसी नामक ग्रंथ में। तो ये दो रचनाएं होंगी, इनको आप ध्यान में रखें महत्वपूर्ण, एक इलियड और दूसरी ओडिसी, ये रचनाएं हैं होमर की। इसके अलावा
होमर ने ओडिसी जो नायक है इस महाकाव्य का ओडेसस नामक जो व्यक्ति को इसका नायक माना गया है, ओडेसस, और इसकी यात्राओं का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। कौन से में? ओडिसी में। तो ओडेसस इसका क्या माना गया है, नायक, और इसकी यात्राओं का वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। अब यात्राओं के माध्यम से, अब यात्राओं का जो वर्णन मिलेगा उस समय ये मान सकते हैं यात्राओं के का जो माध्यम था वह था जल, यानी जल परिवहन के माध्यम से यहाँ पर यात्राएं की जाती थी। तो इस यात्रा में उन्होंने इस व्यक्ति के जो जिसका कि नाम दिया गया है ओडेसस, इसकी नाव के पलटने का या उसकी दिशा भ्रमित होने के का वर्णन किया गया है। साथ में अब जब इसकी दिशा भ्रमित होगी तो इसको अपने राज्य में पहुंचने में 20 वर्ष का समय लगा था, ऐसा वर्णन देखने उसमें हमें मिलता है। यानी 20 वर्ष बाद वह क्या है, स्वदेश पहुंचा था। तो इस लंबी यात्रा में वह जिन जिन स्थानों से गुजरा उन स्थानों के बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। यानी 20 वर्ष के समय में जब वो वापिस अपने स्वदेश लौटा तो बीच में जिन चीज़ों और जिन क्षेत्रों को उसने देखा उनके बारे में वर्णन उसके द्वारा किया गया। यानी एक प्रकार से ये पूरा यात्रा वृतांत है जिसमें रास्ते में आने वाले क्षेत्रों का भौगोलिक वर्णन देखने को मिलता है। यानी कव्य में रोमांचक वर्णन इस ग्रंथ में मिला है। इसके अलावा होमर के अनुसार पूरी पृथ्वी है वह जल से घिरी हुई है। होमर ने बताया कि पृथ्वी क्या थी, जल से घिरी हुई थी। पृथ्वी चारों ओर जल से घिरी है। सूर्य प्रातःकाल समुद्र से निकलता है तथा सायंकाल उसी समुद्र में डूब जाता है। यानी होमर के अनुसार पृथ्वी है वो चारों ओर जल से घिरी है, यानी चारों ओर से ये जल से घिरी हुई होमर के अनुसार पृथ्वी, या जो उस समय ज्ञात भूस्थलखंड थे उनको चारों ओर इन्होंने जल से घिरा हुआ माना है। और उनके अनुसार सूर्य प्रातःकाल समुद्र से निकलता है। ये होमर के अनुसार क्या है, सूर्य प्रातःकाल समुद्र से निकलता है और सायंकाल जब, यानी सूर्य जब अस्त होता है तो वह क्या है, समुद्र में डूब जाता है। यानी समुद्र से ही सूर्य क्या है, उदय होता है और समुद्र में वह सायंकाल को डूब जाता है, ऐसा होमर ने अपनी रचनाओं में लिखा है। यानी उस समय की जो ये, इसको हम एक प्रकार से सूर्य उदय होने के बारे में या सूर्य की जो के बारे में प्राचीन या प्राथमिक जानकारियाँ उससे हमें मिलती है। इसके अलावा होमर के काव्यों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि उस समय के लोग पृथ्वी को गोल मानते हैं और उसके चारों ओर क्या है, जल की स्थिति को मानते हैं। तो ये चीज़ इसने लिखी और इसने साथ ये जो मान्यता थी यह इनके द्वारा लिखी गई कि सूर्य प्रातःकाल है वो समुद्र से निकलता है और साय को समुद्र में ही वापस डूब जाता है। अब उन्हें प्रचलित हवाओं के प्रभाव के बारे में भी जानकारी है, यानी इनकी भी होमर के अनुसार प्रचलित हवाओं का प्रभाव है वो आसपास के क्षेत्र पर देखने को मिलता है। इनको प्रचलित हवाओं के प्रभाव की भी जानकारी थी। यानी प्रचलित हवाएं क्षेत्र के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं इसकी जानकारी भी होमर को थी। और इन्होंने लिखा था कि थ्रेस की ओर से आने वाली हवाओं से आकाश है वो स्वच्छ हो जाता है।
सोक्रेटिस की ओर से आने वाली हवाओं से आकाश स्वच्छ एवं मेघ रहित हो जाता है। साथ में इन्होंने लिखा था, लेकिन इन हवाओं से सागर में ऊंची लहरें उठती हैं, ये भी इनके द्वारा बताया गया था। तो इनके अनुसार थ्रेस क्षेत्र से आने वाली जो हवाएं हैं उनसे जो आकाश है वो स्वच्छ एवं मेघ रहित हो जाता है, यानी आकाश साफ हो जाता है, बादल छट जाते हैं, लेकिन इन हवाओं से सागर में ऊंची लहरें भी उठती हैं। इस प्रकार से वर्णन है वो होमर के द्वारा किया गया है। इसके अलावा वो उत्तरी पवनों को बोरस के नाम से जानते थे। उत्तरी पवने बोरस, दक्षिणी नोटस, ऐसे उन्होंने पवनों के जो नाम है वो दिए थे। उत्तरी पवने क्या कहलाती थी? बोरस, ये नाम इनके द्वारा दिए गए। दक्षिणी पवनों को दक्षिणी पवने कहलाती थी नोटस। इसके अलावा होमर के द्वारा जो दक्षिणी पवने हैं उनको नोटस कहा गया, उत्तरी पवनों को बोरस कहा गया, पश्चिम से आने वाले जो पवने थी उनको जेफरस और तूफान लाने वाली कहा गया, पूर्व से आने वाली यूरस, पश्चिम से आने वाली जो पवने हैं पश्चिमी पवने क्या कहलाई? जेफरस। और इनको क्या कहा गया? तूफान लाने वाली। इसके अलावा पूर्व से आने वाली पवनों को पूर्व पवने ये क्या कहलाई? यूरस, इन पवनों को कहा गया। तो इस प्रकार उस समय के जो ज्ञात पवने हैं उनको ये नाम प्रदान किए गए थे, यानी उत्तरी पवने बोरस कहलाई, दक्षिणी पवने नोटस कहलाई, पश्चिमी पवनों को उस समय जेफरस कहा जाता था, और पूर्वी जो पवने हैं या पूर्व से आने वाली जो पवने थी वो क्या कहलाती थी? यूरस कहलाती थी, और इन पवनों को शांत प्रकृति वाली पवने कहा जाता था। यूरस जो है वो क्या कहलाती थी? शांत प्रकृति वाली पवने, ये शांत प्रकृति वाली पवने कहलाती थी। तो इस प्रकार से ये चारों दिशाओं से आने वाली पवनों को नाम प्रदान किए गए थे, उत्तरी बोरस, दक्षिणी नोटस, पश्चिमी जेफरस जो कि तूफानी थी, और पूर्वी पवने वो थी यूरस जो कि शांत प्रकृति की पवने थी। तो इस प्रकार से जो प्राचीन विद्वानों में अगर या प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है होमर का, और इनके द्वारा दो ग्रंथों की रचना की गई थी। पहला था नंबर एक इलियड और नंबर दो ओडिसी। इनके अंदर पर्यावरणीय दशाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्रों की जो विशेषताएं थी उनके बारे में, यानी यात्रा वृतांत के रूप में इनके बारे में हमें इनमें उस क्षेत्र की या जिन क्षेत्रों में उनके द्वारा यात्राएं की गई उनकी जो प्राकृतिक और भौतिक विशेषताएं थी उनकी जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगले जो विद्वान आते हैं वो थे थेल्स। थेल्स जो हैं उनको मिलेट्स नगर का निवासी बताया गया है। थेल्स मिलेट्स नगर के
निवासी थे। तो ये एक व्यवसायिक यात्री थी, प्रतिभावान दार्शनिक भी इनको कहा गया है। थेल्स के बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।